अभी आ रही है आवाज अभी शायद आई थिंक आवाज आ रही हो दोस्तों आपको ठीक है नाउ आई थिंक इट्स क्लियर थोड़ा सा प्रॉब्लम था अभी शायद रेक्टिफाई हो चुका है अभी सही है ना ओके नाउ इट्स ओके एंड फाइन चलिए सो दोस्तों आज हम बात करेंगे नए टॉपिक एंड द टॉपिक इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात करेंगे ठीक है ओके चलिए 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 सो अभी ओके okay है सारी चीजें यार अभी साउंड भी सही आ रहा है क्योंकि मेरे को दिख रहा है ठीक है मैं देख सकता हूं साउंड भी सही है प्रॉपर है बाकी बा, जितनी भी चीजें, बाकी सब चीज एकदम ओके बढ़िया चल रही है एवरीथिंग इज फाइन नाउ ठीक है गुड आफ्टरनून एवरी गुड आफ्टरनून सो गाइज सबसे पहली तो बात मैं आपको बता देता हूँ एक बार लाइक और शेयर कर दो यार सभी बाकी बच्चे बाकी ऑस्ट्रेलिया जब हम नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं और ये जैसा मैं बताया इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड जोग्रफी वर्ल्ड जोग्रफी का पार्ट है आपका ठीक है वर्ल्ड जोग्रफी का पार्ट है अब ये दोस्तों जो माइक वाइक का ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सेटिंग का ये सब इसकी वजह से हो रहा है वो स्टूडियो वाला चक्कर जो चल रहा है क्योंकि सेटिंग जो है कभी लैपटॉप इधर लगता है कभी स्टूडियो में लगता है ना तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है और वो सेटअप हो नहीं पा रहा है मॉर्निंग वाली क्लास में भी आज अपनी में यही हुआ सुबह जो नौ बजे आठ बजे वाली क्लास होती है ना तो उसके अंदर भी यही हुआ तो बहुत डिले हो गया था तो उसको फिर मैंने नहीं किया क्लास को क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम उस पर चला गया था इसी परपज़ में क्योंकि स्टूडियो बन चुका है बट उसकी सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और जो टेक्निक टेक्नीशियन है वो आ नहीं सकते क्योंकि वो बॉम्बे में है तो वो मेरे को ही बताते हैं मैं जितना हो पाता उतना कर पाता हूँ बाकी सारी चीज़ें तो मेरे से भी नहीं हो पाती ना तो उसकी वजह से यार थोड़ा सा फ्लक्चुएशन चल रहा है आज और कल में सो so, ठीक हो जाएगा सभी बहुत जल्दी चीज़ें हम सही कर देंगे फिक्स कर देंगे यू पी एस सी सी एस सी दो हज़ार बीस इक्कीस के लिए आपका ये जो पूरा प्रोग्राम है दिस इज़ वेरी रेलिवेंट वेरी मच रेलिवेंट एंड बिल्कुल उसके मैं कह रहा हूँ आपका जो वर्ल्ड जोग्राफी भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनफैक्ट ये यूपीएससी के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे वो 2020 में बात कर लो चाहे वो 2021 में बात कर लो चाहे 2022 में बात कर लो इट्स इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट वाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है ना और सुमित टेन यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों इस ये क्या है सुमित टेन मेरा कोड है ठीक है दिस इज माई रेफरल कोड और इस रेफरल कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट दिट

अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मेरा गाइडेंस भी मिलेगा कंप्लीट इस प्रोसेस के अंदर में मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों गाइड करूंगा सर आपने ज्योग्राफी को बहुत आसान बना दिया थैंक यू यार थैंक यू सोनाली विशेष थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरी थैंक यू एवरी चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम आज एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी कर दी है और ये क्या है दोस्तों क्लाइमेट चेंज का मेरा कोर्स जो है आपके लिए स्टार्ट हो गया क्लाइमेट चेंज कोर्स विद द करंट अफेयर करंट अफेयर के साथ मैंने स्टार्ट किया है इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फोर्टीन ऑफ अगस्त दो फोर्टीन ऑफ अगस्त इस चौदह तारीख से शुरू हो रहा है आपका छः बजे क्लास कब से कब होगी दोस्तों छः से आठ सिक्स टू एट पी ये कोर्स बहुत कॉम्प्रीहसिव है आपको प्री में हेल्प करेगा आपको मेंस में हेल्प करेगा प्लस में जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ पढ़ रहे हैं ये उनको भी हेल्प करेगा सो so, ये बहुत ही मैंने बहुत ही इनकम्पेसिंग कोर्स आपके लिए रखा है इसमें पूरे करंट अफेयर भी होंगे क्लाइमेट चेंज का पूरा कोर्स होगा है ना और ये कंप्लीट कोर्स जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फोटीन ऑफ अगस्त फोर्टींथ अगस्त में शुरू कर रहा हूँ सुमित टेन ये मेरा कोड है दोस्तों आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और आके इसको ज्वाइन करेंगे जिन बच्चों के पास है वो ऑलरेडी है वो जाके अपने आप को एनरोल कर लो और जिन बच्चों के पास में यार ये नहीं है वो क्या करेंगे दोस्तों? वो अपने के। जिन, जिनके पास है, और, और सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो कोड क्या यूज करना है आपको दोस्तों सुमेट 10. सुमेट 10 में सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं आपको वर्ल्ड जोग्रफी का कोर्स भी मिलेगा आपको फिजिकल ज्योग्राफी का भी मिलेगा इंडियन ज्योग्रफी का भी मिलेगा इकोलॉजी का भी मिलेगा एंड मेनी मोर्स कोर्सेज बहुत सारे हैं दोस्तों बस आपको मेरे को जुड़ना है तो मेरे से जुड़ने के लिए आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा सुमेट टेन ठीक है और आज जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं ना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज का कोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज का कोर्स आप लोगों को पता है दोस्तों क्लाइमेट के प्रति हमारी सरकार हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी कितनी सचेत है हम सभी लोग चाहते हैं कि क्लाइमेट के ऊपर एक विशेष ध्यान जो है वो दिया जाए क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सरकार क्या कदम उठा रही है तो इसी वजह से यूपीएससी में भी ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से आते हैं आपको पता भी है कितने ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा तो मैं पूरा का पूरा यूपीएससी सी एस को ध्यान में रखते इस पूरे कोर्स को दोस्तों डिजाइन कर रहा हूं जो बच्चे यार मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2020 के लिए और 2021 मैं 21-22 वालों को तो इंश्योर कर दूं कि यार आप लोग एक रैंक बताओ रैंक रैंक और आप मेहनत करो वो रैंक लेके आएंगे ठीक है वो रैंक हम लेके आएंगे बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो वी विल Try to achieve that rank. वो rank मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा ठीक है बस उसके लिए आपको क्या करना है You just have to come with me. आपको मेरे साथ आना है आपको मेरे साथ जुड़ना है आपको मेरे साथ support करना है ठीक है So code क्या use करेंगे दोस्तों आप code use करेंगे सुमित टेन सुमित टेन आपको use करना है You just have to use the code सुमित टेन and you will get the 10% instant discount. आपको 10% discount भी यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है चलिए ये सब हमने देख लिया तो आज का जो टॉपिक है दिस इज ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है आज का टॉपिक हमारा और आपके सामने ऑस्ट्रेलिया आपने ऑस्ट्रेलिया देखा होगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया आपने देखा ही होगा कहां बनता है ऑस्ट्रेलिया अगर मैं वर्ल्ड मैप में अगर आप में देखते हैं ठीक है सो so, जस्ट अगर मैं बात करूं वर्ल्ड मैप के अंदर तो वर्ल्ड मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया का स्थान कहां पर है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कला में आपको निपुण होना पड़ेगा ठीक है जोग्राफी विदाउट मैप इज नथिंग ठीक है आप जोग्राफी में मैप बनाना अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो यू आर यू स्टैंड नो वेयर आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हो सो हियर इज ऑस्ट्रेलिया दिस इज ऑस्ट्रेलिया जो आज अपने को पढ़ना है दिस इज ऑस्ट्रेलिया सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये भा इंडिया के सॉरी जो वर्ल्ड के आपका मैंने बताया था पूरे वर्ल्ड को हम कितने कैसे डिवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड को हम डिवाइड करते हैं आपका दोस्तों सेवन कॉन्टिनेंट के अंदर सात तो महाद्वीप हैं और ओशियन कितने हैं आपका दोस्तों पाँच मेरे पास क्या है ओशियन है तो सेवन कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है आपका क्या ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ दी सेवन कॉन्टिनेंट सात कॉन्टिनेंट में से एक है आशीष यादव किस चीज़ का रिप्लाई करूँ यार मेल पे हाँ मेल पे आज रिप्लाई हो जाएगा यार आपको मेल का रिप्लाई तो कर ही दिया है मैंने आपको कैसी बात पूछ रहे हो यार कानित खान किसी के पास ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है तो प्लीज बता दो ऑस्ट्रेलिया क्या यार चलिए सो so, ये है अपना तो ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों ये कॉन्टिनेंट अभी मैं शुरू कर रहा हूं सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ऑस्ट्रेलिया अच्छा मेरा अप्रोच क्या होगा ठीक है अब समझना मेरी बात मेरा अप्रोच क्या होगा पहले मैं अप्रोच के बारे में बात करूंगा सो हेर इज द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अपना इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस सो पहले मैं क्या करने वाला हूँ पूरे ऑस्ट्रेलिया को देखो अब मैं कैसे पढ़ूंगा इसको ऑस्ट्रेलिया को अब मैं क्या करूंगा मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ठीक है कौन कौन से दो पार्ट में दोस्तों पहला मैं इसको डिवाइड करूंगा आपका पॉलिटिकल पार्ट के अंदर पॉलिटिकल और दूसरा मैं किस में पढ़ूंगा आपको फिजिकल के अंदर पॉलिटिकल पार्ट के अंदर मैं क्या देखूंगा कि इसके अंदर में कितने स्टेट्स हैं स्टेट्स हो या कितने प्रोविन्स के अंदर इसने डिवाइड किया है अपने आप को कितने कैंटॉन्स के अंदर में इसने डिवाइड किया है उसके बाद में मैं हर स्टेट्स के फैक्ट्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा फैक्ट्स कितने फैक्ट्स हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ठीक है अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स तो वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा ठीक है उसके बाद हम फिजिकल पे आएंगे जब फिजिकल पे आएंगे दोस्तों तो फिजिकल में आपको पता ही है फिजिकल पे हम क्या डिस्कस करते हैं फिजिकल जो है इसी से एक वर्ड बनता है आपका दोस्तों फिजियोग्राफी और फिजियोग्राफी की जब भी मैं बात करता हूँ तो इसमें मैं बात करूँगा कितने माउंटेन हैं वहाँ पर इसमें मैं बात करूँगा कितने प्लेटू है वहाँ पर इसमें मैं बात करूँगा कितने, कितने प्लेन है वहाँ पर माउंटेन का मतलब क्या होगा पर्वत टू का मतलब क्या होगा दोस्तों पठार और प्लेन का मतलब क्या होगा मैदान तो ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ में डिस्कस डिस्कस करूंगा पर्वत भी डिस्कस करेंगे पठार भी डिस्कस करेंगे और मैदान भी आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे so, सो सारा पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इसमें हम फिर डिस्कस करेंगे आपके रिवर्स के बारे में अलग अलग नदियां जो है उनके बारे में सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ठीक है तो ये सारी जो चीजें हैं हम यहां पे डिस्कस करेंगे तो मेरा अप्रोच सिंपल है मैं पहले आपको डिवाइड करूंगा यहां पर किस में पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में क्या आपको पहले ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने को मिलेगा आज मेरे साथ यहां पर पॉलिटिकल पार्ट पॉलिटिकल पार्ट में हम फैक्ट्स के बारे में देखेंगे हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे उसके बाद जब फिजिकल की बात करेंगे तो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर है माउंटेन है प्लेटू है प्लेन है रिवर्स है ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर क्या करेंगे आपके साथ में डिस्कस करेंगे ठीक है सो स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया सो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है ना भाई लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं देखो यहां पर बात की सबसे पहले इसने लैटीट्यूड की फिर बात की लॉन्गिट्यूड की फिर बात की एरिया की फिर बात की कैपिटल की तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू वॉट Exactly the and अपने जब आपको शुरू किया था मैं हर बार बोलता हूं कॉन्सेप्ट आपकी बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए मैंने आपको बोला था जोग्रफी जोग्राफी है क्या दो वर्ड से बना है सर पहला वर्ड होता है और दूसरा वर्ड क्या होता है दोस्तों ग्राफी ठीक है सो so, जियो का मतलब क्या होता है जियो का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड विद अर्थ कोई ऐसी चीज पृथ्वी से संबंधित हो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्राफी ग्राफी मतलब होता है क्या आपका दोस्तों स्टडी सो जोग्राफी का मतलब ही क्या होता है दोस्तों स्टडी ऑफ अर्थ पृथ्वी का अध्ययन सो जॉग्राफी इज नथिंग इज जस्ट द स्टडी ऑफ अर्थ पृथ्वी के अध्ययन को को ही हम क्या क्या कहते हैं हैं दोस्तों आपका बोलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं इज नथिंग बट इज द स्टडी ऑफ अर्थ किसी भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं ना किसी भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं फॉर द स्टडी परपज वी रिक्वायर्ड सर्टेन काइंड ऑफ पैरामीटर हमें कुछ क्या चाहिए होते हैं उसके लिए परिमाण चाहिए होते हैं है ना और मैंने ज्योग्राफी को पढ़ना है तो मैंने क्या किया था दोस्तों दो परिमाण फिक्स किए थे आपके सामने पहला क्या था लैटीट्यूड और दूसरा क्या था मित्रों लॉन्गिट्यूड अगर आपको याद हो तो ठीक है मैंने क्या कहा था आपको सोचो मैंने एग्जाम्पल भी बताया था आप जिस कमरे में बैठे हैं सपोज दिस इज योर रूम है ना आप रूम में बैठे हो आप ठीक है इस रूम के अंदर में क्या होगा इस रूम में अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप मुझे इस रूम की स्टडी करके बताओ आप इस रूम में बैठे हो मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे इस रूम की स्टडी करके बताओ आप मुझे क्या बताओगे बताओ क्या बताओगे मैंने आपसे पूछा मुझे रूम की स्टडी करके बताओ आप स्टडी में क्या बताओगे आप स्टडी में मुझे बताओगे कि कमरे का जो लेंथ है वो कितना है कमरे की जो हाइट है वो कितनी है कमरे की जो विड्थ है वो कितनी यही तो बताओगे या कुछ और बताओगे है ना अब बताओगे सर कमरा इतना लंबा है चौड़ा ऊंचा मैं समझ जाऊंगा भाई लंबाई चौड़ाई से मैं एरिया निकाल लूंगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मैं वॉल्यूम भी निकाल लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा अच्छा कमरा इस डायमेंशन का है यस और नो है ना यस सर तो बताओ जोग्रफी में भी क्या करते हैं जोग्रफी में तो हम ऐसे करते हैं जोग्राफी में भी हम क्या करते हैं जो दोस्तों जोग्रफी को भी हमें पढ़ना है पृथ्वी ऐसी है अब उसके अंदर में भी हमें कुछ आपका परिमाण फिक्स जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई

तो ये तो होगी चौड़ाई अब चौड़ाई क्या है ना अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग है देखो बदल रही है ना सो इसीलिए मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइनें खींची है क्योंकि एक से बात बनती नहीं है क्योंकि पृथ्वी ऊपर अलग चौड़ इतनी विथ्थ अलग है यहाँ पर विथ तो हमने क्या किया ऐसे होरिजोनटल लाइन खींच खीज़ दी ठीक है उसके बाद में मैंने क्या किया कुछ मैंने ऐसे ही वर्टिकल लाइन खींच दी ठीक है अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची है इनको हमने दिया है नाम लैटीट्यूड और जो वर्टिकल ऐसे मैं जो खड़ी लाइनें खींच रहा हूं उर्ध्वाधर रेखाएं मैं खींच रहा हूं ऐसी लाइनों को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल छतिज और इन लाइनों को बोलते हैं उर्ध्वाधर तो अब जब मैं बताऊं आपको तो ये लैटिट्यूड हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया तो हमें लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में अगर कोई भी पूछता है तो आप क्या बोलोगे आप उसको बताओगे कि अगर ये पृथ्वी है ठीक है सपोज दिस इज अर्थ अगर ये अर्थ है तो इसकी स्टडी से हमने दो लाइनें आपका यहां पर क्या की हैं फिक्स की हैं और वो दो लाइनें कौन कौन सी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो स्टडी परपज से मैंने आपको दो लाइनें पर बना के दी है सो पहली जो लाइन होगी ना वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन ये लाइन ब्लैक से लिख रहा हूं मैं सो ये जो ब्लैक से लाइन खींची ना हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन्स और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों दीज हॉरिजॉन्टल आर गोइंग टू बी एज द हॉरिजेंटल ठीक है दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों कुछ और भी लाइनें खींची सिर्फ इसी से तो बात बनेगी नहीं तो उसके बाद में हमने क्या करना है आपका दोस्तों हमें वर्टिकल लाइन भी यहां पर ड्रॉ करनी है और वर्टिकल लाइन मैंने क्या ड्रॉ की आपका दोस्तों ये ड्रॉ मैंने ठीक है सो दीज आर वर्टिकल लाइन तो ये जो रेड से ब्लैक से मैंने बनाई है को को बोलते बोलते हैं हम हिंदी में क्या दोस्तों लैटीट्यूड मतलब हो गया अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या हो गया देशांतर अब एक बात ऑस्ट्रेलिया है है तो ये भी तो किसी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में होगा भाई कोई लैटीट्यूड लाइन होगी जो इसको यहां से टच कर रही होगी ठीक है और कोई होगी जो यहां से भी जाएगी ये लैटीट्यूड और किसी किसी लॉन्गिट्यूड के बीच में भी होगा दिस इज द लॉन्गिट्यूड लाइन सो इसके अंदर भी तो लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होंगे यस और नो यहां पर लैटीट्यूड भी होगा सर और यहां पर आपका लॉन्गिट्यूड भी होगा यानी कि अक्षांश भी होगा और यहां पर देशांतर भी होंगे तो वो लाइनें कौन कौन सी है उसी के बारे में बात करें तो लैटीट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊपर वाली लाइन ये अक्षांश रेखा इसका नाम क्या है दोस्तों ये 28 डिग्री पंद्रह मिनट नॉर्थ वाली लाइन है ठीक है अट्ठाईस डिग्री पंद्रह मिनट नॉर्थ की लाइन है ये और जहां तक ये फैला होता है आपका दोस्तों ये फैला है जहां तक भी फैला है तो वहां कहां तक फैला है दोस्तों आपका ये ये फैला है आपका फिफ्टी फोर डिग्री थर्टी साउथ यहां तक आपका ये फैला हुआ है ठीक है समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों आपका ठीक है आर यू गेटिंग मी नो दिस इज साउथ यार ये साउथ ही है ओके ये थोड़ा सा साउथ है ठीक है अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड कहां से कहां स्टार्ट होता है दोस्तों आपका so, अगर मैं बात करें, तो अबाउट द दैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एरिया कितना है दोस्तों छिहत्तर लाख छियासी हजार आठ सौ पचास मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं देखो भारत से तो बहुत ज्यादा है भारत का है बत्तीस लाख है ना एरिया तो अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया अकेले ठीक है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो किस किस के बराबर है भारत को जोड़ दो किसके साथ आप पाकिस्तान के साथ है ना और उसका दुगना कर दो सो ऑस्ट्रेलिया इज द डबल इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान भारत पाकिस्तान को जोड़ के आप दुगना करोगे ना तो उसके अकेले बराबर क्या है ऑस्ट्रेलिया सो ऑस्ट्रेलिया इज द डबल इन टर्म्स ऑफ द एरिया आप जब इंडिया और पाकिस्तान को कंबाइंड करते हो ना उसे दुगना कर दो लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में बताओ जनसंख्या के मामले जन में बताओ जनसंख्या के मामले में जनसंख्या के मामले में अकेला इंडिया हर छः महीने में एक फ्रेश ऑस्ट्रेलिया तैयार कर देता है और उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैं बार बार बताता हूं किसका होता है यूपी के युवाओं का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहां पे है यूपी के तो यूपी के युवाओं का सबसे ज्यादा योगदान होता है और ऑस्ट्रेलिया एक अकेला ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया छः महीने में बना देता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ठीक है इतनी तगड़ी मशीन चलती है हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन बनाने वाली समझ रहे हो सो गाइज ऑस्ट्रेलिया जो है वैसे अगर हम बात करें तो इट इज द डबल ऑफ इंडिया प्लस पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से तो, तो वो दुगना है लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से तो मैंने बता ही दिया आपको है ना बहुत अडेप्ट है हम चलिए सो so, हो गया दोस्तों अच्छा अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट बात करते हैं सो दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इसका ईस्टर्न आइलैंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या आपका दोस्तों क्लिपलटोन आइलैंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इसका दोस्तों आपका केप इंस्क्रिप्शन एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है दोस्तों आपका मैक्यूरीन आइलैंड जो कहां पर है आपका न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड को भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हम न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड करते हैं ठीक है ऑस्ट्रेलिया ये नीचे तस्मानिया है ठीक है ये रा और आपका न्यूजीलैंड नीचे है ठीक है तो ये सारा हम इसके अंदर में क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं चम समझ में आ रही बात आपको दोस्तों चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों सो so, कुछ और फैक्ट्स है मेरे पास वो क्या है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अगर मैं आइलैंड के हिसाब से बात करूं अच्छा आप मुझे बताओ आइलैंड क्या होता है सर एक दो वर्ड है मेरे पास पहला वर्ड है आइलैंड आइलैंड का मतलब क्या होता है मित्रों द्वीप समूह द्वीप समूह का मतलब क्या होता है द्वीप द्वीप के मतलब क्या होता है देखो आइलैंड का मतलब होता है कोई भी लैंड टेरिटरी, विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड ये बीच ये कोई लैंड मास था ठीक है दिस इज लैंड मास एंड सपोज इट इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल द साइड ऑल द फोर साइड वाटर 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 एंड वाटर अगर चारों तरफ से पानी है तो इसी को हम क्या बोल देंगे दोस्तों आपका आइलैंड बोलेंगे सो so, आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह और द्वीप समूह का मतलब है कि वो पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वॉटर फ्रॉम ऑल द साइड ठीक है फ्रॉम द ऑल साइड ऐसा कोई भी भाग जो चारों तरफ किससे गिरा हो आपका पानी से गिरा हो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी नॉन एज द आइलैंड उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आइलैंड बोलते हैं तो वैसे मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों लार्जेस्ट आइलैंड ठीक है अभी दोनों में डाइकॉटमी है लार्जेस्ट आइलैंड अगर हम देखें तो वैसे लार्जेस्ट आइलैंड अभी तक हमने क्या पढ़ा है दोस्तों ग्रीनलैंड ठीक है बट यहां पर क्या बता रहा है ऑस्ट्रेलिया तो आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया को भी हम बट ऑस्ट्रेलिया बड़ा है ना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं अच्छा कॉन्टिनेंट क्या होता है कॉन्टिनेंट एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ पर डाइवर्स टाइप की वेजिटेशन हो बहुत ज्यादा मात्रा में वनस्पति हो फ्लोरा फ्लोराफोना हो ठीक है वहाँ पर डाइवर्स टाइप का क्लाइमेट हो अलग अलग प्रकार की जलवायु हो जलवायु अलग अलग प्रकार की होगी तो उससे फायदा क्या होगा उससे बहुत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहाँ फ्लरिश कर पाएंगे सो so, कॉन्टिनेंट एक लैंड वास्ट लैंडमार्क्स होता है विच सपोर्ट्स द वेरियस काइंड ऑफ द क्लाइमेट विच सपोर्ट्स द वेरियस क्लाइंट ऑफ द वेजिटेशन एंड विच सपोर्ट द वेरियस काइंड ऑफ द आपका जो वहां पर लिविंग पॉपुलेशंस रहती हैं उनको सो so, ऐसा जब एरिया जैसे इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर चार मौसम है दोस्तों कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है तो अकेला इंडिया ही सब कॉन्टिनेंट कहलाता है उप महाद्वीप कहते हैं हम किसको क्योंकि इंडिया के पास में वो डाइवर्सिटी है कॉन्टिनेंट बनना है तो आपके पास सब कुछ बड़ा होना चाहिए सब कुछ आपके पास ज्यादा होना चाहिए आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास ज्यादा लैंडमार्क्स होना चाहिए आपके पास में ज्यादा बायडावर्सिटी होनी चाहिए आपके पास में ज्यादा क्लाइमेट वेरी टाइप ऑफ द क्लाइमेट भी होना चाहिए तो ये सारी चीजें जब आपके पास होती है ना तो उसी को हम बोल देते कॉन्टिनेंट सो कॉन्टिनेंट जो है अगर आपके पास में एग्जाम में अगर आपसे क्या कह रहा है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड आइलैंड मैंने बता दिया क्या होता है आइलैंड वो पार्ट होता है जो चारों तरफ से किससे गिरा हो आपका दोस्तों पानी से तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड है बट हम इसको क्या कंसिडर करते हैं बिकॉज इट इज अ कॉन्टिनेंट तो एक बड़ा लैंडमार्स है इसीलिए जनरली हम इसको आइलैंड नहीं बोलते बट पेपर में अगर आ जाए और ऑप्शन के अंदर में दोनों सबसे बड़ा वैसे होता कौन सा है ग्रीनलैंड ठीक है तो आप ग्रीनलैंड को अगर पेपर में दिया है ऑस्ट्रेलिया तो यू वुड गो फॉर दिद ऑस्ट्रेलिया अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं और ग्रीनलैंड है तो ग्रीनलैंड पे जाओगे अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो मान लो आपसे लार्जेस्ट आइलैंड पूछ लिया पहला है ऑस्ट्रेलिया दूसरा ये तीसरा इंडोनेशिया और चौथा मान लिया मलेशिया मैंने ऐसे बोल दिया आपने तो आपसे ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन जाओगे आप ऑस्ट्रेलिया अगर आपका एग्जाम में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया तो यू विल गो विद द ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट आइलैंड अगर नहीं दिया हुआ है तो वो कौन सा है आपका ग्रीनलैंड जनरली जब हम पढ़ते हैं तो ग्रीनलैंड को हम क्या कहते हैं आपका दोस्तों फर्स्ट आइलैंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है कौन सा ग्रीनलैंड ठीक है ऑस्ट्रेलिया जो है बिकॉज इट्स अ कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप होता है तो इसको हम जनरली आइलैंड की कैटेगरी में नहीं रखते ठीक है तो ये दो बात आप याद रखोगे ठीक है so, सो हमने देखा यहां से ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड तो आइलैंड मैंने बता दिया क्या होता है ये वो भाग होता है जो चारों तरफ पानी से गिरा होता है एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट सबसे छोटा महाद्वीप है तो इट्स आल्सो द स्मॉलेट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच कंप्लीटली ऑक्यूपाइज सिंगल कंट्री एकमात्र ऐसा देश है जो एक कॉन्टिनेंट है और पूरा का पूरा एक देश भी बनाता है ये पूरा पूरा एक देश है और इस देश के अंदर देखो ये अलग अलग फिजियोग्राफिक यूनिट है अलग अलग ये आपकी इन्होंने स्टेट बनाए हुए हैं देखो, देखो दिस दिस टाइप ये स्टेट बनाए हुए हैं इन्होंने ठीक है आपको दिख रहा है ठीक आई होप आपको दिख रहा है विजिबल होगा सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स जो यहां पर बने हुए हैं ठीक है दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स जो इन्होंने बनाए हुए so, हैं सो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ये आपका क्या है दोस्तों दिस इज नॉर्दर्न टेरेटरी दिस इज़ सदर्न टेरेटरी दिस इज क्विंसलैंड ये है न्यू साउथ वेल्स दिस इज और ये क्या है आपका दोस्तों यह विक्टोरिया फिर यह है तस्मानिया सो so, ये इसमें अलग अलग फिजिकल डिवीज़न इन्होंने किया हुआ है पॉलिटिकल डिवीज़न भी किया हुआ है तो आप समझना कि ये क्या है दोस्तों इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच ऑक्यूपाइज अ सिंगल कंट्री एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे के पूरे देश को ऑक्यूपाई करता है ठीक है मतलब ऑस्ट्रेलिया देश भी है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है अगर आपको दुगुना कर दो उतना ही बराबर है मैं आपको बता ही चुका हूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन जो है वो इसके ठीक बीच से जाती है ठीक है here. ठीक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ना इट पास थ्रू हि है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ यहां से गुजरती है और इसको दो लगभग समान भागों में बांटती है लगभग लगभग ऐसा ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन जो है इट पासेस थ्रू द इट पासिस थ्रू द कंट्री कॉन्टिनेंट एंड कंप्लीटली डिवाइड्स द कॉन्टिनेंट इन टू इक्वल पार्ट ठीक है दो भागों में बांट देती है अच्छा ऑस्ट्रेलिया जब मैं बोलता हूं तो इसके अंदर में क्या क्या आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश तो है ही है साथ ही साथ में आपका न्यूजीलैंड भी, भी होता है और कुछ अदर आइलैंड भी होते हैं कुछ अन्य द्वीप भी यहाँ पर होते हैं ठीक है सो so, जब भी हम ऑस्ट्रेलिया बोलेंगे सो ऑस्ट्रेलिया मीन्स क्या ऑस्ट्रेलिया मीन्स आपका यहाँ पर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड आइलैंड्स अदर आइलैंड्स कुछ छोटे छोटे और भी चुरकुट टाइप के आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर होंगे ओके सर मैंने आपसे यूट्यूब पर इंडियन जोग्रफी फिजिकल जोग्राफी एनवायरमेंट पढ़ लिया है वर्ल्ड जोग्राफी अभी पढ़ रहा हूँ इससे ऑप्शनल कवर हो जाएगा क्या प्लीज रिप्लाई यार अनिश आशीष आशीष यादव आशीष यादव देखो यार मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है मैं कोशिश कराता हूँ आपका कवर कराऊँ बट हाँ जैसे कुछ चीज़ें लिमिटेशंस होती हैं जो हम यहाँ नहीं कर पाते हैं आपका यूट्यूब के ऊपर बट हाँ अगर आप मेरे साथ प्लस पे जुड़े हुए हैं ठीक है ठीके? और अगर प्लस के ऊपर आपने मेरे से जोग्राफी पढ़ लिया और इस जोग्रफी में तीनों मैटर आते हैं ठीक है ठीके? पहला इंडियन जोग्रफी भी आती है उसके बाद आपकी वर्ल्ड जोग्रफी भी आती है और आपकी फिजिकल जो मैंने कराई हुई है ऑलरेडी उसके अलावा क्योंकि फिजिकल जोग्रफी तो यूट्यूब हुई ही नहीं है फिजिकल जो का अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे तीस परसेंट पार्टी जो अभी तक मैंने कराया थर्टी परसेंट पार्टी जोग्रफी का हुआ है कहाँ पर यूट्यूब पे उसके अलावा इंडियन जोग्रफी वर्ल्ड जोग्रफी फिजिकल जोग्राफी अगर इसके अलावा आपने मेरे से क्लाइमेट चेंज कर लिया वहाँ पर ठीक है इसके अलावा आपने मेरे से इकोलॉजी कर लिया वहाँ पर इसके अलावा आपने अगर बायोडावर्सिटी कर लिया आपका वहाँ पर तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये सारे पार्ट अगर कर लेते हो तो जो ऑप्शनल है ये मैं प्लस की बात कर रहा हूँ ऑप्शनल जो है वो आपका फिफ्टी फाइव परसेंट कवर हो जाता है अगर आपने कर लिया तो ऑप्शनल फिफ्टी फाइव परसेंट कवर जोग्रफी लेकिन अगर आप यूट्यूब पे हैं तो आपका कवर होता है दोस्तों ओनली ठीक है अगर आप यूट्यूब पे मेरे से सारी चीजें पढ़ रहे हो तो आप कवर कर पाते हो कितना थर्टी फाइव परसेंट ऑफ ऑप्शनल का पैंतीस प्रतिशत जो है आप यहां से कवर कर पाओगे ठीक है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं समझ में आई आशीष आपको मैं क्या कह रहा हूं प्रीति झाकर उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है ठीक है ये मुझे चेक करना पड़ेगा यार आई थिंक इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है सो so, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है रुक जाइए अभी मैं देख लेता हूँ ठीक है मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ वो शायद मिस कई बार क्या होता है ना कुछ टाइपिंग गलत हो जाती है तो वो टाइपिंग का छोटा सा एरर है उसके अंदर मैं उसको अभी करेक्ट कर देता हूँ जस्ट वेट फॉर वन सेकेंड एक सेकेंड आप रुक जाइए कई बार क्या होता है ना थोड़ा सा टाइपिंग एरर भी आ जाता है तो वो टाइपिंग एरर है अपना दैट्स इट और उसमें कुछ नहीं है जी वो टाइपिंग एरर ही है ठीक है वो टाइपिंग एरर ही है मैंने देख लिया है सो इट्स अ टाइपिंग एरर अगर मैं बात करूं तो लैटिट्यूड जो है ये नहीं है लेटीट्यूड है इसका आपका इट इज स्टार्ट फ्रॉम दी टेन डिग्री फोर्टी वन सेकेंड साउथ से कहां तक फैला हुआ है ये ये एक्सटेंड करता है आपका फोर्टी थ्री डिग्री ट्वेंटी नाइन डिग्री साउथ ये सही लैटीट्यूड है इसका ठीक है ये सही लैटीट्यूड होगा दोस्तों इसका मेन लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्गीट्यूड में भी गड़बड़ है लॉन्गीट्यूड कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है आपका दोस्तों इट इज स्टार्ट फ्रॉम हंड्रेड एंड थर्टीन डिग्री नाइन मिनट से लेकर कहा तक आपका फैला है ये फैला है हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री डिग्री और थर्टी नाइन डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है समझ में आई बात ठीक है क्योंकि ये कंप्लीटली यार अगर हम बात करें तो ईस्टर्न हेमिसफेयर में आता है इट्स कंप्लीटली कम्स अंडर द ईस्टर्न हेमिसफेयर पहली बात तो समझ लो ये ईस्टर्न हेमिसफेयर और ये इक्वेटर के साउथ में है तो ये आपका सदन हेमिसफेयर में आता है सो ये सदन साउथ ईस्टर्न हेमिसफेयर के अंदर आता है तो नॉर्थ का तो इसके अंदर में कोई भी चक्कर ही नहीं होगा रवीना मैं क्या फारसी में पढ़ा रहा हूं हिंदी में ही तो बात कर रहे हैं अनुज यार नोट्स तो खुद ही बनाने पड़ेंगे आपको यार नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे नोट्स सिर्फ प्लस वाले लोगों के लिए यार प्लस वाले स्टूडेंट्स को ही नोट्स मिलते हैं जिनके पास प्लस है और ये मेरा रूल नहीं है कंपनी का रूल है ठीक है कंपनी की पॉलिसी है कैपिटल इसकी कहां पर है दोस्तों कैपिटल है कैनबरा आप लोगों को पता ही है कैपिटल इसकी कैनबरा तो ये याद रखना थोड़ा सा इसको मैंने करेक्ट कर दिया है लेटिट्यूड जो है वो टेन डिग्री फोर्टी वन डिग्री साउथ से लेकर फोर्टी थ्री डिग्री ट्वेंटी नाइन डिग्री साउथ और लॉन्गिट्यूड जो है हंड्रेड एंड थर्टीन डिग्री नाइन मिनट आपका ईस्ट से लेकर हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री नाइनटी थर्ट हंड्रेड एंड थर्टी डिग्री हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री डिग्री और नाइन्टी थर्टी नाइन मिनट ईस्ट तक ही आपका फैला है तो कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया जो है इट लाइज इन द सदर्न हमिस्पेयर एंड द ईस्टर्न हमिस्पेयर दक्षिणी और ईस्टर्न हेमिस के अंदर में आपका लाइ करता है ठीक है ये कंप्लीट हमने देख लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जब भी आप बोलोगे तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में क्या क्या पार्ट आएगा दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जब भी हम बोल रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट एक तो क्या ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री होगा और दूसरा क्या होगा ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट तो जब भी मैं ऑस्ट्रेलिया से कॉन्टीनेंट बात करूंगा ना आपसे तो कॉन्टिनेंट में आपका न्यूजीलैंड शामिल होगा दोस्तों न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो क्या शामिल होगा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा और आपके कुछ स्मॉल आइलैंड्स और भी हैं ठीक है वो भी इसी के अंदर में शामिल होंगे ठीक है प्रज्वल यार बेस्टी है यूट्यूब पर पूरा बेस्ट है एक बात बताओ जो मैंने बोला है ना वो पता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप बातों को पकड़ते तो बहुत अच्छे से हो एक बात बताओ क्लाइमेट चेंज का कोर्स कितने बच्चों ने किया है आप ईमानदारी से बताना आप में से कितने बच्चों ने किया क्लाइमेट चेंज का कोर्स बताओ ये मैं क्यों कह रहा हूं ना पता है क्यों कह रहा हूं बिकॉज क्लाइमेट चेंज का जब मैंने कोर्स कराया था तो आप आखिरी में 200 बच्चे आते थे मुझे वो क्लास बंद करनी पड़ी थी क्लाइमेट चेंज की मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं 200 देखते ही नहीं थे कोई अब जिन्होंने देखा नहीं वो कहां से अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसमें 200 बच्चों में मैं प्लान पॉलिसी भी पढ़ा दूं तो वो नहीं है कंपनी बंद कर देती है उस चैनल कह रहे जब बच्चे देखते ही तो क्या को चलाते हो ठीक है मैं सब चूज मेरे हाथ में नहीं है ना उसके बाद और मैं क्यों कह रहा हूं देखो अभी फिजिकल जोग्राफी यूट्यूब पर नहीं हुई है तो थर्टी फाइव ऑब्वियस वैसे ही हो गया ना ठीक है वो वैसे ही हो गया और और भी बहुत सारी चीजें जो लिमिटेशंस होती हैं यार यहां पे मैं वो नहीं करा पाता वहां पे बट प्लस पे क्या होता है ना प्लस के ऊपर इंटर ज्यादा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है तो वो चीज़ें वहां डिस्कस की जाती है यहां मुश्किल होता है आप खुद ही बताओ लास्ट क्लास में तो यहां पे गालियां चल रही थी कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था पिछली पिछली क्लास अगर याद हो आपको बायोडावर्सिटी की में तो मुझे लगता नहीं वो लक्षण देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लासेस भी ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं अगर यही चलता रहा तो तो ये लोग आप लोगों की गलती है जो यूट्यूब पे गलत होता है ना वो आप लोगों की गलती की वजह से होता है आप ही में से कुछ एलिमेंट हैं जो गड़बड़ करते हैं अब ये मत मेरे को मत बोलो कि सर इनको इग्नोर करो ठीक है वो नहीं हो पाता क्योंकि अगर क्लास में डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ा पाओगे सिंपल सी बात होती है सो डिसिप्लिन आप मेंटेन करो मैं तो ऑलरेडी मैं तो तैयार हूँ यार मैं तो हर हाँ दिन एफर्ट कर रहा हूं प्लस वालों के लिए स्टूडियो नहीं होता लेकिन आप लोगों के लिए स्टूडियो बनवाया बीस लाख रुपये अलग से लगे हैं स्टूडियो बनवाने के प्लस वालों के लिए तो कोई स्टूडियो नहीं बनता उनके तो लैपटॉप से क्लास चलती है सिर्फ और सिर्फ तो बात ये होती है कि आप लोगों के लिए किया भी जा रहा है बट आप लोग पता थोड़ा सा अप्रिशिएशन प्रॉब्लम होता है यार आप में से कुछ बच्चे मैं सबके नहीं कह रहा कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों को कंट्रोल कौन करेगा यार आप ही लोग करोगे कोई बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में आप पढ़ रहे हो शोर मचाए जाए मचाए आपको कुछ सुनने ना दे तो कौन टीचर को दिक्कत होगी ऑब्वियस बात है टीचर को तो दिक्कत होगी बट टीचर क्या करेगा टीचर नहीं पढ़ाएगा सिंपल है आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा ठीक है आप मैनेज करो उसको अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो यार हर चीज टीचर पे मत डालो वी आर जस्ट अ लाइटनिंग कंडक्टर और अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ही हम आपको सक्सेस दिला पाते हैं और अगर आप सोचोगे ठीक है कि सब कुछ जो है आपको हम मतलब कोई भी टीचर आपको सब कुछ मैं आपको सिलेक्शन ला नहीं दे सकता मैं सिलेक्शन लाऊंगा अपना आप लोगों का सिलेक्शन थोड़ी ना ला सकता हूं आप लोगों को थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इन चीज़ों की यार आप लोगों को इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आप लोगों के लिए आप लोगों को थोड़ा सशक्त होना पड़ेगा आप ही लोगों को इनको कंट्रोल करना पड़ेगा जो चैट बॉक्स के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आके वाहियात की बातें करते हैं नहीं करोगे नहीं हो पाएगा क्योंकि तो आप ही लोग इनको एंटरटेन करते हो तभी ये चीजें ज्यादा बढ़ती हैं आप करो आई एम रेडी आई एम रेडी टू डू ऑल द थिंग्स यार मैं करने को तैयार हूं हर दिन इन चीजों पर टाइम हमारा वेस्ट होता है ठीक है अब मैं पढ़ा हिंदी में रहा हूं बट फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं अभी एक मैडम कह रही हैं कि सर हिंदी में पढ़ा दोगे क्या मेरा बताओ हिंदी में पढ़ा दोगे क्या हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं मैडम मैं देखो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप है यही तो बताया ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये भारत पाकिस्तान को जोड़ के दुगना कर दो उसके बराबर है मतलब दिक्कत पता है क्या दिक्कत आपको ये नहीं है दिक्कत ये है कि आप कुछ खुद से नहीं करना चाहते देखो इस चीज को एक्सेप्ट करो आप अपने आप से कुछ नहीं करना चाहते दैट तो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं कोई गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं कुछ आपको मतलब ऐसा बता नहीं मैं मैं सिर्फ एक सिर्फ एक आपसे बात कर रहा हूं ठीक है द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर दैट आप लोग खुद से पढ़ना नहीं चाहते आप खुद से कुछ नहीं करना चाहते आपको सब बस मिल जाए कहीं से पी सर दे दो मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा हिंदी में अरे सर यहां लिख दो हिंदी में तभी बात बनेगी हिंदी में नहीं लिखोगे आप भले ही बोलते रहो हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम तो जब आप बोल रहे होते हो तो चैट कर रहे होते हम तो उस समय तो हम चैट करेंगे फिर बाद में अब अच्छा इस बात को भी पर्सनली मत लेना मैं सबको नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग चैट कर रहे हो ठीक है सब कुछ सही होता है दोस्तों आप थोड़ी जिम्मेदारी उठाओ अपने ऊपर क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना मुझे नहीं मेरे हिंदी इंग्लिश में लिखने सेलेक्शन नहीं होगा आपका आपका पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा आप थोड़ा सा उस चीज को सीरियस लो उस चीज पे काम करो उस चीज पे वर्क करो चीजें बहुत अच्छी से हो जाएंगी लेकिन अगर आप ऐसे ही पढ़े रहे इन चीजों में उलझे रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा जो जिम्मेदार आदमी है वही सिलेक्शन सोचा है ना सुना है ना जिसने कभी कहीं से नहीं पढ़ा ना उसका भी सिलेक्शन हो जाता है क्यों क्योंकि तो उसने खुद से जिम्मेदारी उठाई खुद से पढ़ता है यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ठीक है बट स्टिल अगर आप लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो नाउ इट्स योर फॉल्ट इट्स योर प्रॉब्लम और वो आपकी प्रॉब्लम है आपको चीजों को अप्रिशिएट करना सीखना पड़ेगा आपको चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा तभी चीजें आपके लिए अच्छी होंगी यार प्लस वालों के लिए बहुत ज़्यादा मैं एफर्ट अलग से नहीं करता प्लस वालों के लिए बहुत कम एफर्ट होते हैं दोस्तों लेकिन ऑब्वियस बात है उन्होंने पैसे पे किए हुए यार तो उनको तो ऑब्वियस बात है बहुत अच्छा पढ़ाना ही पड़ता है समझ रहे हो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैसे चलेगी आप बताओ यूट्यूब बंद हो जाएगा अगर प्लस वाले बच्चे नहीं होंगे ना आप ये मान लो जैसे टैक्स पेयर का पैसा नहीं होता जो टैक्स भरते हैं हम टैक्स से सरकार सुविधाएं देती है तो ये प्लस वाले बच्चों का ही पैसा है जैसे यूट्यूब चल रहा है अगर प्लस वाले बच्चे नहीं होंगे ना यूट्यूब भी बंद हो जाएगा तो आप ऐसा तो सोचो मत प्लस की जो ये यूट्यूब पे क्लास चलते हैं ना दीज आर जस्ट लाइक डेमो क्लास ये डेमो क्लास है आप लोग सोचते हो कि ये पूरा सिलेबस होता है दीज आर जस्ट डेमो क्लास आपको ये देखने के लिए होता है कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है जो यूट्यूब पे आप भाई प्लस कोर्स लेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है तो उसके लिए आपको ये डेमो क्लास दी जाती है ताकि आप उस चीज़ से जान पाओ उस चीज़ से अवगत हो पाओ कि कैसा पढ़ाया जाता है कैसा पढ़ाया जाता है ये टीचर कैसे पढ़ाता है बस ठीक है बट स्टिल मैं तो बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ आप कंपेयर कर लो किसी भी टीचर को उठा के और आप मैं सच बता रहा हूँ कोई भी टीचर पढ़ाएगा भी नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाने नहीं देते उनकी तो वास्तव में वाहियात बातें रहती हैं कभी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उनको कभी पेट में दर्द होता है कभी कुछ होता है कभी तो उनकी तो वही समस्याएं चलती रहती हैं तो वो जब जब तक आप उन चीज़ों से ऊपर नहीं उठोगे नहीं हो पाएगा ठीक है नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे आई एम गिविंग द बेस्ट कॉन्टेंट बट दैट डज मीन्स कि मैं आपके घर पर ला दे दूँ ठीक है आपके घर पे थोड़ी ना भेज सकता हूं मैं हां आप चाहते हो कि लाओ ठीक है मैं प्रिंट करा के आपके घर भेज दू तो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है दैट इज नॉट पॉसिबल दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल वो बिल्कुल भी संभव नहीं है तो अगर आप चाहते हो इफ यू इफ यू वॉन्ट टू बी एन आई एस ऑफिसर देन स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द टुडे कैसे कर पाओगे आप देखिए मैडम जो हिंदी में बात कर रही थी ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा क्या है द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो पूरे एक देश को कंप्लीट करता है एक देश इसकी के अंदर आता है यह इंडिया और पाकिस्तान के साइड के दुगना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के साइड का दुगना है कर्क मकर रेखा इसको दो बराबर भागों में बांटती है लगभग लगभग और आपका नेक्स्ट जो बात है दोस्तों वो क्या है नेक्स्ट बात है हमारे पास कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और अदर आइलैंड्स ये तीनों मिलते हैं जब मैं बात करता ना ऑस्ट्रेलिया जब मैं लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया तो उस ऑस्ट्रेलिया के अंदर में न्यूजीलैंड आपका आता है ऑस्ट्रेलिया आता है और बहुत सारे छोटे आइलैंड्स हैं जो उसके अंदर में शामिल होते हैं ये लो हिंदी में खुश ये हिंदी में है बिना देखे समझे सोचे आप कुछ भी बोलते हो आप लोगों को पता है हिंदी इंग्लिश में दोनों कवर करता हूं ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ में इंग्लिश में मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं मैं इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में कवर करता हूं दिस इज हिंदी ठीक है ये हिंदी में है सारे टीचर मिलते हैं आपको ना, नाहिद खान सारे सो so, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है है ना आकांक्षा इन लो, लोगों को आप ही को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये चैट पढ़ता हूँ तो ऑबियस बात है मैं डिस्टर्ब होता हूँ और आप आप ये नहीं इग्नोर कर सकते आप लोग मैं कितना इग्नोर करूँ इन चीज़ों को है ना तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता आप लोगों को इनको आप आप लोगों को इनको जो भी करना है धमकाना है डराना है जो भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा ठीक है आप ही लोग जब आपस में एक होंगे ना तब चीज बंद होंगी सो ऑस्ट्रेलिया हमने देखा दोस्तों ठीक है अब आते हैं सिचुएशन कहां पर सिचुएटेड है कहां पर इसकी पोजीशन लाई करती है सो so आप सभी लोगों को पता है इट लाइज बिटवीन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन इंडियन हिंद महासागर और पैसिफिक प्रशांत महासागर के बीच में आपका इलाई करता है इधर देखो प्रशांत महासागर है इसके और इधर क्या है दोस्तों आपका इंडियन ओशन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में आपका इलाई करता है अगर मैं नॉर्थ में बात करता हूं तो इसके नॉर्थ में आराफुरा सी इधर है आपका आरा सी इधर देखो गल्फ ऑफ कार्फिंत्रिया है नीचे अगर मैं बात करता हूं आपका तो सदर ओशियन भी आ जाता है इधर क्या है दोस्तों आपका तस्मानिया सी ठीक है मैप उठाओ मैप उठाओ फटाफट सभी लोग मैप उठाएंगे ठीक है जिस जिसके पास मैप की नहीं है बुक वो खरीद लो मैप देखो ये रहा मेरे पास मैं भी मैप लेके बैठता हूँ तो मैप ओपन करो मैप ओपन करो नॉर्थ में देखो क्या है कह रहा है इट इज सराउंडेड बाय द तिमोर सी तिमोर सी है नीचे देखो दिस इज द तिमोर सी सॉरी यहाँ नहीं दिस इज द तिमोर सी इट इज सराउंडेड बाय द तिमोर सी उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट उत्तर पूर्व में ये है उसके बाद में कह रहा है सर आराफूरा आराफूरा सी आरा सी इन द नॉर्थ नॉर्थ ये रहा North के अंदर में उसके बाद कह रहा है गल्फ ऑफ कार्फेंथ्रिया तो गल्फ ऑफ कार्फेंथ्रिया ये रही है आपकी ठीक है सो दिस इज द गल्फ ऑफ कार्फेंथ्रिया दिस इज गल्फ ऑफ कार्पेंथ्रिया इसके बाद में ये है आपका कोरल सी इधर ठीक है इसके बाद में आ जाती ग्रेट बैरियर रीफ इधर आ जाती है आपका उसके बाद में पैसिफिक ओशियन है उसके बाद में यहां पर है तस्मान सी दिख रहा है आपको ठीक है इसके बाद यहां आते हैं तो दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ठीक है एंड इधर क्या है आपका दोस्तों इंडियन ओशियन तो ये होगी इसके चारों पा, आसपास की सराउंड क्या कौन कौन इसको सराउंड कर रहा है इसके साउथ में एक इसका माउंटेनस आइलैंड है जो इसी का भाग है जिसको हम बोलते हैं तस्मानिया सो हेर दिस इज तस्मानिया इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका तस्मानिया ठीक है डन सो ये इसका स्ट्रक्चर है इस प्रकार से ये आपका होता है आर यू वेटिंग मी क्या कह रहा हूं मैं आपको सो दिस इज सिचुएशन ये इसकी सिचुएशन है कहां पर ये सिचुएटेड है कैसे कैसे है क्या है सो हेर इज द सिचुएशन आप देख सकते हो कहां कहां पर ये लाई करता है ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूं आपका तो नेक्स्ट जो है अब क्या देखेंगे हिंदी में देख लो भाई हिंदी वाले छात्र और एवं छात्राओं ये लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो और इन स्क्रीनशॉट से ना लेके कोशिश किया करो नोट्स बनाओ आप स्क्रीनशॉट तो ले लो बट कोशिश करो नोट्स बनाओ आप लोग नोट्स तो बनाते नहीं हो इससे जब तक नोट्स नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं है पलक नोट्स बनाने हैं आपको उसके बाद में ये रहा दोस्तों ये भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में है और उत्तर पश्चिमी में तिमोर सागर है मैंने बताया तिमोर सागर आराफूरा सागर गल्फ ऑफ कार्पें्थ्रिया कोरल सी इधर है कोरल रीफ इधर है तस्मान सी और इधर क्या है दोस्तों आपका इंडियन ओशन दिस इज गल्फ ऑफ दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ठीक है इधर एक और भी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं बास स्ट्रेट क्या बोलते हैं बास स्ट्रेट तो यहाँ यहाँ पर स्थित है अगली बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी मतलब कितने राज्यों के अंदर हम इसको क्या करते हैं विभाजित करते हैं कैसे कैसे बांटते हैं वो सब बताएंगे आपको तो ऑस्ट्रेलिया है पूरा तो ऑस्ट्रेलिया को हम कुछ प्रिंसिपल स्टेट्स में बांटते हैं जैसे ये हो गया आपका इधर इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उसके बाद ये क्या हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी इसको नॉर्थन टेरिटरी बोलते हैं और इसके बाद ये हो गया क्वींसलैंड इसके बाद ये जो है इसको हम बोलते हैं आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जो है मेरे पास ये ये है क्वींसलैंड और ये क्या न्यू साउथ वेल्स और नीचे क्या तस्मान हेयर दिस इज विक्टोरिया तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं आपका तो इसको सिक्स प्रिंसिपल स्टेट्स में छह तो मुख्य राज्य हैं आपका और दो है सेंट्रल यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरी दो यूटी हैं और छह क्या हैं दोस्तों इसके स्टेट छह स्टेट एंड टू यूटी हैं इसके अंदर ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये इसका सबसे लार्जेस्ट भाग है दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये लार्जेस्ट पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ठीक है और न्यू साउथ वेल्स जो है आपका न्यू साउथ वेल्स ये रहा आपका ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दिस इज द मोस्ट पॉपुलेटेड यहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया क्वींसलैंड साउथ सदर्न ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स विक्टोरियन तस्मानिया सो दीज आर द प्रिंसिपल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर यू गेटिंग मी समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आपको ठीक है रेसव मैं यूपीएससी बोर्ड में ले बैठा हुआ हूं मतलब मैं यूपीएससी का चेयरमैन हूं अभी बना मैं तो मैं आपको बता दूंगा कब तक पेपर होगा अभी 2020 के नहीं हुए हैं 2021 के कहां से होंगे 2021 का प्रीलिम्स होगा आपका ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त अगस्त के आसपास मान लो अगस्त के आसपास अगस्त के लास्ट में होगा जुलाई 2020 का प्रीलिम्स ठीक क्लियर तो कितने भागों में बांटा हमने ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया उसके बाद सदर्न ऑस्ट्रेलिया उसके बाद में क्वींसलैंड हो गया उसके बाद में न्यू साउथ वेल्स हो गया विक्टोरिया हो गया और क्या हो गया तस्मानिया हो गया ठीक है ये सारे के सारे पार्ट हो गए तो ये हो गया अब मैं बात क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपका यहाँ पर कि इसमें तस्मानिया का आइलैंड भी इंक्लूड है है ना सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट बाग लेकिन एक बात बताऊँ ये ऑलमोस्ट अन अनहैबिटेटेड है यहाँ पॉपुलेशन नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे डेजर्ट हैं ठीक है पूरा का पूरा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन पार्ट क्या है डेजर्ट है उसका कारण आपको पता है पहला क्या है ऑप्शोर ऑफ ट्रेड विंड जो वाणिज्य पवन यहां से आती है वो ऑप्शोर जाती है ठीक तो दस से लेकर कितने के बीच में पड़ता है थर्टी तो मैंने बताया था टेन टू थर्टी डिग्री नॉर्थ और टेन टू थर्टी डिग्री साउथ के पश्चिमी भाग डेजर्ट होते हैं क्यों दो रीजन बताए थे मैंने आपको पहला बताया था ऑप्श्योर ऑफ ट्रेड विंड

चलिए सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले हम देख लेते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दोस्तों सो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट जगह है मेरे पास पहली जगह है पर्थ पर्थ कहां पर है ये स्वान नदी पर स्थित है आपका 19 किलोमीटर है समुद्र से पर्थ दो है वो आपका सिचुएटेड है कहां पर सिचुएटेड है दोस्तों ये यहां पर सिचुएटेड है सो so पर्थ जो है दैट इज लोकेटेड हियर यहां पर है दिस इज पर्थ तो ये इसकी पर्थ में मैच नहीं होते हैं देखा है ना आपने सुना है मह गुप्ता कितनी बार ये क्या है ये क्या है ये हिंदी होती है इसको हम हिंदी बोलते हैं Hmm. यहां पर है ये दिस इज पर्थ ठीक है पर्थ पैपतंग थैथन और ऊपर है पर्थ ठीक है ये स्वान नदी पर स्थित है आधा सै अ आम और नैनल क्या हो गया स्वान स्वान नदी पर ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपको हिंदी लिखनी नहीं आएगी स्वान तो स्वान ही होता है तो स्वान नदी पर स्थित है ठीक दूसरा वेस्टर्न वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हिंदी में इसको बोलेंगे आ ए आम आ टेलिया ऑस्ट्रेलिया तो हो गया ये कैपिटल है किसका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का इट इज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील आयरन का मतलब होता है लोहा और स्टील का मतलब होता है लोहे का लोहे से ये बनता है अलॉय होता है ये एक अलॉय का इसको एक है इसको हम बोलते हैं मिश्रण एक ये धातु मिश्रित धातु है आपका स्टील जिसमें हम कुछ कुछ मिला के लोहे में उसको बनाते हैं तो ये हो गया आपका तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है उत्पादन सेंटर का मतलब होता है केंद्र तो ये एक उत्पादन केंद्र है किसका लोहे के और स्टील का एक उत्पादन केंद्र है ठीक है वहीकल वहीकल का मतलब क्या होता है दोस्तों वहीकल का मतलब होता है गाड़ी जो वहीकल बनते हैं ना जो चलते हैं रोड पे देखा होगा ना व्हीकल बस बस को व्हीकल कहते हैं ठीक है और कार व्हीकल कहते हैं तो कार बस यहाँ बनती है मशीन बनती है मशीन तो समझते हो आप देखो इसमें मशीनरी लिखा हुआ है हिंदी में नहीं हमें नहीं समझ में आएगा हिंदी में मैं मछली स सलगम बड़ी की मात्रा और नैनल मशीन यहाँ पर बनती है टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा कपड़ा उद्योग कै कपड़ा कै कबूतर पै पापड़ और डे डमरूर आ आम कपड़ा तो यहाँ पर वहीकल मशीने और कपड़ा बनता है ये स्टैंडर्ड है आपका यूपीएससी का डू यू थिंक दिस इससे यूपीएससी क्लियर होगी तो ठीक है आई एम रेडी मैं ऐसे ही करा दूंगा कोई दिक्कत ही बात नहीं है पता ये बात हिंदी मीडियम की नहीं है बात इनकी है कि वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं हिंदी में तो बोलता हूँ यार मैं कौन सा अंग्रेज़ी बोलता हूँ